हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन एग्जाम में। दोस्तों, आज हम स्टूडियो में RIBJEE के 25 मई 2019 का फर्स्ट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसमें बताएंगे कि किस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए, सभी का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, जिससे आपको पता चले आने वाले चैप्टर में किस टॉपिक से आपको तैयारी करके जानी है, जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सको। तो आज के शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे अल्फ़ाबेट सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एनालॉजी में आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, कोडिंग डिकोडिंग में 4 से 5, सबसे ज़्यादा आपके कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 4 से 5, डायरेक्शन से आपके 2 क्वेश्चन आए थे, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन के बीच में पूछे गए थे, ऑड एंड आउट की से 2 क्वेश्चन आए थे, पजल से आपके क्वेश्चन पूछा गया, सीरीज से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। आपके सबसे ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 4 से 5 के मध्य। स्टेटम एंड कंक्लूजन से आपके 2 क्वेश्चन ही, 1 या 2 क्वेश्चन आया था, सिलोलिज्म से आपके 2 क्वेश्चन, वेन डायग्राम से आपके 2 या 3 क्वेश्चन के मध्य आए थे, टोटल आपके 25 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से आपके सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग से 8-9 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा आपके 2 टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा कवर करके जाना है, इनमें से आपके 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, 9, 10, 25, टोटल आपका 25 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के। आगे बात करते हैं मैथ की। मैथ में आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गए थे 2 क्वेश्चन, मेन सॉल्यूशन से 1 क्वेश्चन आया था, रेशियो प्रोपोर्शन से 1, ट्रिगोनोमेट्री से 3 क्वेश्चन आए थे इस बार, PNL से आपके 4 से 5 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं PNL से, ज्योमेट्री से 1 या 2 क्वेश्चन आए थे, नंबर सिस्टम से 2, सिंपलीफिकेशन की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आए, टाइम वर्क की बात करें तो 2 से 3, हर शिफ्ट में टाइम वर्क, सिंपल, सिंपलीफिकेशन और PNL के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको तीन को मैथ में आपको 3 टॉपिक कवर करके जाना है सबसे ज़्यादा, PNL, सिंपलीफिकेशन, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, टाइम एंड स्पीड से 4-5 क्वेश्चन आए थे, कल भी सेम पैटर्न था, वही पैटर्न से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको इसी पैटर्न के हिसाब से तैयारी करके देनी है। मिशलेन से 6 से 7 क्वेश्चन जो टॉपिक इसमें बच गए, उसके अलावा जो क्वेश्चन जो टॉपिक बचे उससे 6 से 7 क्वेश्चन आए थे, जितने भी टॉपिक बचे, हायर डिस्टेंस से कंफर्म नहीं है कितने क्वेश्चन आए थे, 1 या 2 क्वेश्चन आए थे, टोटल आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ में, जिसमें सबसे ज़्यादा आपके टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, सिंपलीफिकेशन एंड PNL, इससे आपके 10-15 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके 4 टॉपिक से, सबसे ज़्यादा दिन से पूछे जा रहे हैं। आपको इसके हिसाब से तैयारी करके जानी है, क्योंकि इसी के हिसाब से अभी तक पैटर्न सेम चल रहा है अभी रेलवे में, RIBJEE का ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 22, 23, 24 तीनों शिफ्टों में तीनों दिन ये क्वेश्चन पूछे गए थे। आप जी के जनरल साइंस की बात करें तो आपके फिजिक्स से 9-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, केमिस्ट्री से 11-12 क्वेश्चन और बायोलॉजी 4-5, सबसे ज़्यादा आपके केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 11 से 12 क्वेश्चन, जिसमें से आपके पीरियोडिक टेबल से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, फिजिक्स उसके बाद फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सबसे कम बायो से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, तो आपको सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री और फिजिक्स तैयार करके जानी है। अब जी के की बात करते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आज के शिफ्ट में, मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, आगरा लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, जो आगरा है वो कौन से रिवर के किनारे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना, जो आगरा है वो ताज जो आगरा है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है, और आगरा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में स्थित है आगरा। एक क्वेश्चन आया था आर्टिकल 336 के संबंधित है, तो इससे इसका आंसर है स्पेशल प्रोविजन फॉर एंग्लो इंडियन, जो एंग्लो भारतीय होते हैं उसके बारे में स्पेशल प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 336 में। तो आपसे आर्टिकल के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, हर शब्द में एक क्वेश्चन आ रहा है आर्टिकल से संबंधित। एक क्वेश्चन पूछा गया था फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय ने, इसका आंसर राजा राममोहन राय हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आज, एक क्वेश्चन आया था विच स्पोर्ट वाज स्टार्टेड इन इंडिया, इंडिया में कौन सा खेल स्टार्ट हुआ था, तो इसका आंसर कबड्डी, जो कबड्डी का जो उद्भव हुआ है वो भारत से ही हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट इंडिया टू गो टू द स्पेस, बाहर से जाने वाले फर्स्ट भारतीय कौन थे जो अंतरिक्ष में गए थे, तो उसका आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा, राकेश शर्मा थे जो प्रथम भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। अगर आपसे वुमेन पूछी जाए फर्स्ट वुमेन कौन सी है जो अंतरिक्ष में गई थी, तो उसका आंसर हो जाएगा कल्पना चावला, और फर्स्ट की बात की जाए इंडियन की तो हो जाएगी राकेश शर्मा। एक क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट सेटेलाइट सेंट टू स्पेस, कौन सा सेटेलाइट फर्स्ट सेटेलाइट पूछा गया था जो अंतरिक्ष में गया था, तो उसका नाम था स्पुतनिक, जो सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था स्पुतनिक यहाँ तक, जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ, चंडीगढ़ कौन से
राज्य कैपिटल है तो वो दो राज्य कैपिटल चंडीगढ़, एक पंजाब, एक हरियाणा। पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल ही चंडीगढ़ है। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कौन दो राज्यों की कैपिटल कौन सी है, उसमें आपको चार ऑप्शन दे रखे थे, एक चंडीगढ़ दे रखा था तो उसका आंसर चंडीगढ़ होगा। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है। एक क्वेश्चन आया था जो राज्य का गवर्नर होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा 5 साल। जो राज्य का गवर्नर होता है उसका कार्यकाल होता है 5 साल होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हु हैज़ बीन रिसेंटली कन्फर्ड विद पद्म विभूषण अवार्ड 2019, जो हाल ही में पद्म विभूषण अवार्ड 2019 किसे दिया गया है, वो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो इस साल 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है, मैं वो नाम बता देता हूँ। एक का नाम है बलवंत मोरेश्वर, एक है तीजन भाई, एक है अनिल मनी भाई और एक है इस्माइल। तो 4 हैं, इस बार 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। आपको एक ऑप्शन दे रखा होगा उसमें आपको टिक करना, तो 3 गलत बता रखे होंगे, 1 सही होगा। उसमें से आपको ये 4 बता रहा हूँ उसमें से 1 ऑप्शन आपको मिलेगा उसमें से आपका आंसर होगा। इस बार 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था, मैं भी बता देता हूँ। एक है बलवंत मोरेश्वर को दिया गया था, एक तीजन भाई को दिया गया था, एक अनिल मनी भाई को दिया गया था और एक इस्माइल उमर गुहेले को दिया गया था। ये बात 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। और पद्म भूषण की बात की जाए तो 14 व्यक्तियों को दिया गया था पद्म भूषण, और पद्मश्री की बात की जाए तो 93 व्यक्तियों को इस बार दिया गया था, और भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया था। ये आपको याद होने चाहिए भारत रत्न किसको दिया गया था और पद्म विभूषण किसको दिया गया था। एक क्वेश्चन आया था नोवाक जोकोविच बिलोंग टू, जो नोवाक जोकोविच खिलाड़ी है वो कौन से देश से संबंधित है, तो है सर्बिया। नोवाक जोकोविच का संबंध सर्बिया से है, वो सर्बिया के रहने वाले। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि नोवाक जोकोविच है वो कौन से खेल से संबंधित है, तो संबंधित है टेनिस से। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि नोवाक जोकोविच है वो कौन से खेल से संबंधित है, वो है टेनिस संबंधित, और वो कौन से कंट्री से संबंधित है, तो वो है सर्बिया से। एक क्वेश्चन पूछा गया था मुगल वंश से संबंधित, वो इज आल्सो नोन एज आलमगीर, आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता था, या आलमगीर की उपाधि किसे दी गई थी, वो दी गई थी औरंगजेब को। औरंगजेब किसका पुत्र था, वो शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। एक क्वेश्चन पूछा गया था चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, वो है प्रमोद सावंत। आपका सारे भारत के जितने भी राज्य सभी के करंट सभी की कैपिटल याद होनी चाहिए, और सभी के गवर्नर और मुख्यमंत्री आपको याद होनी चाहिए वहाँ के, क्योंकि ये हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बन रहा है उसका। तो चीफ मिनिस्टर कौन है गोवा के, वो है प्रमोद सावंत थे। इससे पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे गोवा के, होते मनोहर पारिकर, जिनका निधन हो गया था, उनके बाद प्रमोद सावंत को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था गोवा का। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कैपिटल नेपाल, नेपाल की कैपिटल कौन सी है, वो है काठमांडू है। एक क्वेश्चन आया था क्रोशिया है ऑनर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद विच अवार्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो क्रोशिया देश है उसका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से रामनाथ कोविंद को सम्मानित किया गया था, उस अवार्ड का नाम आपसे पूछा गया था। तो उस अवार्ड का नाम मैं बता देता हूँ क्या अवार्ड है उसका अवार्ड का नाम, तो उस अवार्ड का नाम है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ टोमिस्लेव। वापस रिपीट कर देता हूँ, जो अवार्ड का नाम पूछा गया था द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ टोमिस्लेव, यह क्रोशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इस प्रकार से भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है, उसी प्रकार से क्रोशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ टोमिस्लेव, जो रामनाथ कोविंद को प्रदान किया गया था। ये भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जिन्हें क्रोशिया के द्वारा प्रदान किया गया था। क्रोशिया की बात करें तो क्रोशिया की कैपिटल है जाग्रेब। दोस्तों कैपिटल भी पूछी जा रही है आपके एग्जाम में, तो मैं आपको बता देता हूँ क्रोशिया जिसकी कैपिटल है जाग्रेब, और क्रोशिया की करेंसी पूछी जाती है कूना। कूना क्रोशिया की कैपिटल है, क्रोशिया की करेंसी है कूना, और कैपिटल की बात की जाए तो क्रोशिया की कैपिटल है जाग्रेब। ये भी एग्जाम में बन सकता है, इस बार ये वाला क्वेश्चन पूछा, और इसी से संबंधित आगे आपसे कैपिटल और करेंसी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिए क्रोशिया की जो कैपिटल है वह जाग्रेब, और क्रोशिया की जो करेंसी है वह कूना। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था मिशेल फिलिप्स कौन से देश से संबंधित है, वो संबंधित यूएसए से। जो मिशेल फिलिप्स है वो यूएसए से संबंधित है, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। जो मिशेल फिलिप्स है उनका संबंध कौन से खेल से है, तो उनका संबंध है स्विमिंग से, वो एक प्रसिद्ध तैराकी है, और इन्हें सबसे ज़्यादा ओलंपिक में अवार्ड प्रदान किए गए हैं, वही सबसे ज़्यादा ओलंपिक अवार्ड प्रदान किए जा चुके हैं इन्हें। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा ओलंपिक किसे प्रदान किए जा चुके हैं, तो किए गए मिशेल फिलिप्स को, इन्होंने सबसे ज़्यादा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं।
एक क्वेश्चन आया था सोर्स ऑफ विटामिन ए, जो विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है कैरेट में, गाजर में पाया जाता है। अगर वेजिटेबल की बात करें सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल आया था साइंस का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सोनार इज्यूड, जो सोना होता है उसका यूज किस लिए किया जाता है, तो उसको यूज किया जाता है टू मेजर अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, समुद्र में किसी भी वस्तु का, जो समुद्र के अंदर जो वस्तु होती है उसका पता लगाने के लिए सोना का यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था परफेक्ट टाइम इंटरवल फॉर इको, कन्फर्म क्वेश्चन पता नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया था वाला। एक क्वेश्चन आया था सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का सोर्स क्या होता है, तो इसका आंसर जितने भी खट्टे फल होते हैं सभी विटामिन सी के स्रोत होते हैं, नींबू आंवला नारंगी सभी विटामिन सी के स्रोत होते हैं। एक क्वेश्चन आपका साइंस का आया था रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसमें आपको बराबर दो देन फोकल लेंस ऐसा क्वेश्चन दे रखा था आपका। एक क्वेश्चन आया था ऑप्टिकल लेंस इज नॉट यूज टू, जो ऑप्टिकल लेंस होता है उसका यूज किस में नहीं किया जाता, तो इसका आंसर होता है स्टेथोस्कोप, जो स्टेथोस्कोप होता है उसमें ऑप्टिकल लेंस का उपयोग नहीं किया जाता। एक क्वेश्चन आपका साइंस से पूछा गया था, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24वां, विच गेम इज नॉट प्ले इन बोर्ड, आपको उसमें चार ऑप्शन दे रखे थे और इसमें एक ऑप्शन गलत था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वेट, स्क्वेट के अंदर स्क्वेट ऐसा गेम है जिसमें बोर्ड की आवश्यकता नहीं होती, और तीन गेम दे रखे तो उसमें आवश्यकता होती होगी, इसमें ये वाला ऑप्शन है जो मैंने बता दिया स्क्वेट, इसमें बोर्ड की आवश्यकता नहीं होती। एक उन्होंने बताया था कट मार्क इस टायर इज मेड फॉर, जो कट मार्क होता है टायर में वो किस लिए बनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, जो घर्षण होता है उसको कम करने के लिए टायर में कट मार्क का उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मेरा क्वेश्चन ये है, स्टाफ क्वेश्चन पूछा गया था एचसीएफ का क्वेश्चन ये, एक आपका ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया था, वापिस पीएनडल का क्वेश्चन है मैथ का, पहला बताया दिया फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस, फर्स्ट इंडियन कौन था, तो राकेश शर्मा थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, तो ब्लड की पीएच वैल्यू होती है 7.5 से 7.35 से लेकर 7.45 के मध्य, जो ह्यूमन का ब्लड होता है वो थोड़ा क्षारीय होता है, 7.35 से 7.45 के मध्य पीएच वैल्यू होती है ब्लड की। एक क्वेश्चन पूछा गया था शेफ ऑफ बेसिलियस बैक्टीरिया, जो बेसिलियस बैक्टीरिया होती है उनकी शेप क्या होती है, तो उनकी शेप होती है रोड शेप के होते हैं वो बेसिलियस बैक्टीरिया, उनकी शेप पूछी गई थी। एक फॉर्मूला पूछा गया था आपसे साइंस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपसे पूछा गया था, इसका हो जाएगा CaOH2, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा, तो आपको सारे फॉर्मूले एक बार याद करके जाने, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर आएगा फॉर्मूला बेस, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होगा वो जाएगा CaOH2। एक क्वेश्चन साइंस का पूछा गया था आपसे, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था ट्विंकल ऑफ स्टार इज बिकॉज यू, जो तारे होते हो को टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा एटमोसफियर रिफ्लेक्शन, जो वातावरण का जो रिफ्लेक्शन होता है प्रकीर्णन अपवर्तन के कारण आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम कंटेंट, जो ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में नाभिक में क्या शामिल होता है, तो उसमें जाएगा एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम के नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। एक क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, क्या घटित होता है जब मेटल एसिड से अम्ल से रिएक्ट करता है, तो जब बताऊँ क्या घटित होता है, तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन घटित होता है, तो जब कोई भी धातु एसिड से रिएक्ट करती है तो उससे साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, एक नमक निकलता है और एक हाइड्रोजन गैस निकलती है। और एक क्वेश्चन और है 40वां क्वेश्चन, एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द चार्ज ऑन न्यूक्लियस, साइंस का क्वेश्चन ये है, जब आप मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो चार्ज होता है न्यूक्लियस में क्या होता है इंक्रीज होता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज बिकॉज इट गेन प्रोटोन, जब कोई भी चार्ज लेफ्ट से राइट मूव करता है तो वो क्या होता है न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाता है। एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, तो जितने क्वेश्चन मुझको मिले मैंने आपको सभी बता दिए हैं, और इस वीडियो की पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया सभी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो की पीडीएफ, जितने भी मैं आपके पीडीएफ डालते रहता हूँ यूट्यूब चैनल पे, जितने वीडियो बनाए जाते हैं सभी की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, और जितने भी 22-23-24 जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन हुए अरबी जे के सभी की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, वहाँ से जाकर आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे सभी लिंक दे रखे हमने, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा दोस्तों, पीडीएफ मिलने के बाद टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी,
या PDF को डाउनलोड कर लेना, उसके बाद आप PDF को ओपन करना तो आपको इंस्टा मोजो का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना और आपको RRB JEE, RRB NTPC, RRB Group D, SSC CGL, SSC अगर RRB SSC की तैयारी कर रहे हो तो आपको आपके लिए RRB JEE, RRB NTPC CGL इनके लिए प्रीवियस ईयर जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन हुए थे सभी आपको मिल जाएंगे। आप मात्र 10 से 12 रुपये में उन PDF को खरीद सकते हो। तो PDF को ओपन करने के बाद आप इंस्टा मोजो भी क्लिक कर देना, आप डायरेक्ट वहाँ पर हमारी PDF पर पहुँच जाओगे जो भी हमारी द्वारा डाली गई है इंस्टा मोजो पर। फेसबुक पे हमें फेसबुक पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों ये रेड बटन दे रखा है, ये यूट्यूब चैनल का लिंक है, तो आप PDF ओपन करोगे तो इस यूट्यूब चैनल इस रेड बटन पर क्लिक कर देना तो आप डायरेक्ट हमारे ऑल इंडिया यूट्यूब चैनल पर पहुँच जाओगे, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाली जाती है वो सभी आपको प्राप्त हो सकेगी। यूट्यूब चैनल के बाद पहुंचने के बाद आपको इस चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और इसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस जरूर कर देना, जिससे जो भी वीडियो हमारे द्वारा डाली जाएगी वो सभी वीडियो आपको समय प्राप्त हो सकेगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट RRB JEE की तैयारी कर रहा है उन सभी के साथ शेयर कर देना, जिससे उनके जो आने वाले एग्जाम में आने वाले शिफ्टों में जिससे वो इस अनुसार तैयारी कर सके कि किस टाइप का क्वेश्चन आपसे किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस लेवल का पेपर आपके RRB JEE में आ रहा है और कौन से टॉपिक से कौन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं जिससे उनको भी पता चल सके। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो देने आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।